और कॉपर खदान हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मौत हो गई। घटना की वजह जानने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट इंटरनल जांच कमेटी बना रहा है और जांच कमेटी जो बनाई जाएगी वो पूरी तरीके से जांच करेगी, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कैसे लिफ्ट की केबल टूटी है, कहां चूक हुई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के नीम का थाना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में लिफ्ट मशीन का रस्सा टूटने के कारण 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि एक अफसर को बचाया नहीं जा सका। जिला चिकित्सक ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचे कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि सब कुछ सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने छोटे मोटे चोटे होने की संभावना जताई थी, लेकिन जनहानि की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया था। 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और शेष 5 लोग अंदर और हैं। 10 को हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच CMHO और पूरी टीम ने की थी और उसके बाद जो इंजरीज उनको नजर आई उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे रेफर कर दिया गया है। शेष 5 लोग और हैं और उनके रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से 2.5 घंटे में वो भी और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यानी जिस बात की दूर दूर तक आशंका नहीं थी वो सच साबित हुई। चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मौत को रोका नहीं जा सकता था। वैसे मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर लापरवाही मौत को दावा दे तो हालात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोलिहान खदान में भी यही हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कोलिहान खदान की लिफ्ट से जुड़े कर्मचारियों ने 8 दिन पहले KCC प्रबंधन को लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी, उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान दिलवाया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार रात हादसा हो गया। इस घटना के बाद से खदानों में काम करने वाले मजदूर और उनके लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इस हादसे में जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबसे बड़े कॉपर प्रोजेक्ट में इस तरह का हादसा सुरक्षा कारणों में बड़ी चूक है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि लिफ्ट है वो खराब थी और इस विजिलेंस टीम से आने से पहले सुबह इस लिफ्ट को है वो सही कराया गया था। ऐसे में अब यहाँ के जो मॉक ड्रिल और जो इनकी मेंटेनेंस है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह होगा कि कब इस मामले में जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, खेतरी।